तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस को लेकर बड़ी घोषणा सुनकर हैरान हो जाओगे। एटीएम से कैश निकालना फ्री कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एटीएम से कैश निकालना फ्री कर दिया है और सभी के खाते में 500 रुपये फ्री में दिया जाएगा और यहाँ पे 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और 2000 अप्रैल के पहले सप्ताह में, और गैस सिलेंडर भी फ्री कर दिया है। तो सारे पॉइंट को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को पहले आप सबसे लास्ट तक वीडियो को आप देखिएगा। तो ये रहा जाने माने वेबसाइट आज तक का, जो कि इसमें 26 तारीख का यहाँ पे न्यूज है, 26 मार्च का यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लॉकडाउन के बीच सरकार का इकोनॉमिक बूस्ट डोज 1.70 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए ऐलान का फायदा गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला अलावा दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग वर्ग को मिलने का उम्मीद है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर यहाँ पे दिया गया है कि वही उज्ज्वला योजना में, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवार को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर किया गया है कि वही यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवार को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। और यहाँ पे दिया गया है कि दूसरे में आप देख सकते हो कि करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे। यह रकम यहाँ पे देख सकते हो, यह रकम जनधन खाते में दिए जाएंगे, जिन लोगों के भी जनधन खाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 1500 रुपये आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जो कि जनधन खाते में दिए जाएंगे। और पॉइंट नंबर यहाँ पे देख सकते हो तीसरा, यहाँ पे लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले 3 महीने तक महीने के लिए है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे 2 किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों का होगा। और बताया मनरेगा के तहत आने वाली वर्ष की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। ये दिहाड़ी पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है। इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8.65 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। ये किस्त सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है, जो किसान निधि योजना जो है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, जो 4 महीने पे 2000 रुपया जो मिलता है। तो यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। यह किस्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है। बता दें किसानों के सालाना 6000 रुपये दिया जाता है। तो यानी कि उन लोगों को भी उसका भी है कि इनका जो है अप्रैल पहले सप्ताह में आपको जो जनधन निधि योजना है, सॉरी किस्त सम्मान निधि योजना जो है, किसान सम्मान निधि योजना, उनका भी रुपया आने वाला है अप्रैल के पहले हफ्ते में। और बताया गया है कि कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 50 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, डॉक्टर वगैरह उन लोगों के लिए। वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 5 किलो अनाज गेहूं, 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है। और साथ ही इससे पहले 24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों से जुड़े कई ऐलान किए थे। इसके तहत अगले 3 महीने के लिए एटीएम से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते, 3 महीने के लिए
एटीएम से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो कि पहले लगता था। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। वही वित्त मंत्री ने सभी व्यापारी वित्त ग्राहकों के लिए डिजिटल कारोबार सौदों को लेकर बैंक शुल्क कम करने का भी घोषणा की है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो इस न्यूज़ को आप पढ़ना चाहते तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।